Do not forget to subscribe to my YouTube channel and please do click on the bell icon there to get regular notifications. Dhanyawad. नमस्कार। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप एक डिजिटल मार्केटर कैसे बने। कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने कौन सा कोर्स किया है। वेल, सच तो ये है दोस्तों, मैंने डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कठिन परिश्रम किया है और सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। हर चीज़ की एक शुरुआत होती है और मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत की ब्लॉगिंग से। ये ब्लॉगिंग मैं अपने लिए नहीं, मेरे क्लाइंट्स के लिए करता था। मैं जब लॉयला कॉलेज का स्टूडेंट था तो मैंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था। उस समय मेरी उम्र करीब 17 साल की थी। मैंने कंटेंट लिखना चालू किया ये सीखने के लिए कि किस तरीके से कंटेंट के माध्यम से एसईओ किया जाता है। कुछ साल बतौर कंटेंट राइटर और एसईओ एग्जीक्यूटिव का रोल निभाकर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से। और फिर जब मैं डिजिटल मार्केटर बना तो सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉग का निर्माण किया जिसका नाम है saurabhjain.com। ये मैंने चालू किया 2008 में और आज करीब 10 साल हो गए इस पर कंटेंट लिखते हुए। तो अब मैं आपको बताऊंगा ऐसी 12 चीज़ें जिससे मैं एक डिजिटल मार्केटर बना और आज भी मैं सीख रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकूँ। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करियर की शुरुआत की थी तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये लोग इंडिया में जानते भी नहीं थे। एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए सबसे पहले एक नीश पिक करना होगा। नीश बोले तो एक ऐसा विषय जिसमें आपकी रुचि हो। ये कुछ भी हो सकता है, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, कुकिंग, डांसिंग, फैशन एक्सेट्रा। मैंने चुना सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग क्यों? क्योंकि मेरी इस सब्जेक्ट में रुचि थी और मुझे इसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना था और अपनी एक पहचान बनानी थी। फिर मैंने चालू किया अपना एक ब्लॉग जिसके लिए मैंने बुक किया saurabhjain.com। मैंने वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग बनाया। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कोई भी अपना ब्लॉग या फिर वेबसाइट का निर्माण कर सकता है। इसमें आपको कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे कई सारे ऐसे टेम्पलेट जिससे आप इमीडिएटली एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो और यहाँ पर कॉन्टेंट अपलोड करना बहुत ही आसान है। और तो और वर्डप्रेस में कई सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिससे आपका एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत आसान हो सकता है। मैंने saurabhjain.com इसलिए बुक किया ताकि ये डोमेन ही एक ब्रांड बन सके और आने वाले समय में लोग इसकी खोज करें। सो ये मेरा शुरू से एक विजन रहा है। दूसरी चीज़ जो मैंने की, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स मेरे नाम से ब्लॉक किए। आप देख सकते हो कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया चैनल्स मेरे हैं इंक्लूडिंग ट्विटर, इन सब का एक ही कॉमन URL है, वो है saurabhjain। तो अगर आप भी अपना पर्सनल ब्रांडिंग ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो अपना एक यूनिक डोमेन सब जगह एक ही रखें। और फिर अपने सारे प्रोफाइल्स को पॉलिश किया और अपने सारे चैनल्स पर मैंने डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड कॉन्टेंट शेयर करना चालू किया। सो आज भी अगर आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि हर रोज़ मैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग अपडेट इस विषय पे आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ब्लॉग के ज़रिए लोगों की मदद कर सकूँ। मैं ऐसे कंटेंट लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिससे उनके डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। मैंने कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट ट्राई किए हैं। अभी तक मैंने 200 प्लस ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं और वो कई सारे टॉपिक्स पे है, जैसे हाउ टू गाइड्स, ट्रेंड्स, न्यू थिंग्स, रिजल्ट्स ऑफ कैंपेन्स, केस स्टडीज, वर्कशॉप अनाउंसमेंट, इवेंट रिव्यूज और भी बहुत कुछ। हर हफ्ते मैं 4 घंटे सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में व्यतीत करता हूँ। इसमें करीब 1000 से 2000 वर्ड्स होते हैं और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होता है। मेरे ब्लॉग पे करीब 5 लाख से भी अधिक विजिटर्स आ चुके हैं और मैं कई सारे कंटेंट राइटर्स के साथ भी काम करता हूँ ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग अपडेट्स दे सकूँ। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से मैं रेगुलर सोशल मीडिया क्रॉसवर्ड्स, कार्टून्स, न्यू थिंग्स इन डिजिटल वाले क्रिएटिव अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़, लाइव सेशंस लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करता हूँ। उसी तरीके से मैंने हाल फिलहाल अपना फोकस YouTube पे रखा है जहाँ पे मैं लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी, ताकि मैं दोनों ऑडियंस को कैटर कर सकूँ। मेरा फोकस इस वक्त दोनों पे है, हिंदी
एज वेल एज इंग्लिश। आप देख सकते होंगे कि मैंने कई सारे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया है, जैसे हैशटैग सोशल मीडिया रोड शो। इसके जरिए मैं अपने वर्कशॉप्स के बारे में लोगों को बताता हूँ। आप देख सकते होंगे कि मैंने हैशटैग न्यू थिंग्स इन डिजिटल का निर्माण किया, जिससे लोग अगर इसे फॉलो करेंगे तो उन्हें सोशल मीडिया के लेटेस्ट अपडेट्स और डिजिटल मार्केटिंग के लेटेस्ट अपडेट्स उनके टाइमलाइन पे रेगुलरली दिखते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स चाहिए, तो आप न्यू थिंग्स इन डिजिटल ज़रूर फॉलो कीजिए। कई बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं उनके लिए ट्यूसडे सुबह इंस्टाग्राम पर लाइव जाता हूँ, ताकि मैं उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई यूआरएल। जो मेरी लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है वो ये है, मैंने क्रिएट किया ऐसे दो कोर्स जिससे मैंने कई लोगों को हेल्प किया और मेरी ईमेल सब्सक्राइबर बेस ग्रोथ किया। मैंने लॉन्च किया इंग्लिश डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और हिंदी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये दोनों मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मैं इसके जरिए देश के कोने कोने में पहुँच कर लोगों को फ्री डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ और कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च करना चाहता हूँ जिससे लोग सस्ते में डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। आज मेरे इन कोर्स के हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी लाखों सब्सक्राइबर्स भी हो गए, और ये सब्सक्राइबर्स ना सिर्फ इंडिया से बल्कि बाहर देश के भी कई सारे लोग हैं जो इसको अभी सब्सक्राइब कर चुके हैं। जितना भी पैसे इन कोर्सेज की वजह से मैं कमाता हूँ, वो मैं फ़िलहाल अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स में वापस डाल देता हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। ध्यान रखिए, अगर आपको इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो पहले अपनी मार्केटिंग करनी होगी। मेरा मानना है कि मार्केटिंग हर बिजनेस की जान होती है। अगर आप मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, तो आप लोगों को आपके बारे में या आपके बिजनेस के बारे में कैसे बताएंगे और लोग आपको कैसे जानेंगे। सो प्लीज इन्वेस्ट सम अमाउंट इन मार्केटिंग योरसेल्फ। जब मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, मुझे कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिली। मेरा पहला क्लाइंट स्पेन से था, जो मुझे ब्लॉगिंग के माध्यम से मिला। उन्हें मेरे ब्लॉग्स पसंद आते थे और इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने एक कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है एकोमी। और एकोमी में हमने कई सारे ब्रांड्स मैनेज किए, यहाँ पे सैलून, पर्सनल ब्रांड्स, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, इवेंट्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, B2B IT, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट और कई सारे वर्टिकल्स में मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया है। मैंने अभी तक कम से कम 50 से भी कहीं ज़्यादा ब्रांड्स को अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर की है। विद दीज ब्रांड्स मुझे मौका मिलता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने का, एंड आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। सो मोस्ट ऑफ माई केस स्टडीज जो मेरे वर्कशॉप्स में होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। अपने करियर को एनहांस करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर बिजनेस एक बुक लिखा, और अभी एक और बुक लिख रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग पे। मैं आशा करता हूँ कि वो बुक आप लोगों को पसंद आएगी। बुक एक बहुत अच्छा जरिया है अपने बात लोगों तक पहुँचाने का। काफ़ी लोग आज भी बुक पे पढ़ना पसंद करते हैं, ना कि ऑनलाइन। सो राइट ए बुक, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर मार्केटर, बिकॉज समटाइम्स आपको उस बुक को कैसे बेचना है उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। सीखो पहले, प्रैक्टिस करो और फिर सिखाओ, इससे आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ हमेशा कुछ नया सीखता रहूँ, और जैसे जैसे मैं कुछ नया सीखता हूँ उसके ऊपर मैं कोर्सेज लॉन्च करता हूँ और लोगों को उसके बारे में सिखा के मैं और भी कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ उस सब्जेक्ट पर। एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने के लिए नए टूल्स का परख होना बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते मैं एक नया टूल सीखूँ, या तो डिज़ाइन टूल, या फिर एनालिटिक्स, या फिर मैनेजमेंट, या फिर ईमेल मार्केटिंग। आई ट्राई दीज टूल्स और फिर इसके बारे में मैं ब्लॉग लिखता हूँ, फेसबुक पर अपडेट्स डालता हूँ और लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ वैसे ही कुछ टूल्स को यूज़ करने का। और अंत में, अपने आप को इंडस्ट्री ट्रेंड्स के टॉप पर रखने के लिए मैं कई सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर उनके वीडियोस लाइव देखता हूँ। कॉन्फ्रेंसेस में कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और तो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कई सारी नई चीज़ें सीखने की। सो ये थी मेरी जर्नी ब्लॉगर से मार्केटर तक की। मेरी ब्लॉग बनी मेरे पहचान की वजह। क्या आपने अपना ब्लॉग चालू किया है? अगर नहीं तो किसका वेट कर रहे हो? आज ही चालू कीजिए, शुरुआत कीजिए, मेरे ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। इसी वीडियो के साथ मैं अपना फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट करता हूँ। अगर आपने मेरा कोर्स कंप्लीट किया है तो अपना सर्टिफिकेट लेना मत भूलिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर माई ब्लॉगिंग कोर्स। धन्यवाद।